इस बुलेटिन के प्रायोजक है संकट मोचन इंटर कॉलेज करिया बजना सुल्तानपुर जय सिंहपुर तहसील का नंबर वन इंग्लिश मीडियम स्कूल। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं सैमफोर्ड फ्यूचरिक स्कूल सुल्तानपुर का नंबर वन इंग्लिश मीडियम स्कूल। सुल्तानपुर जिले के कोतवाली नगर इलाके में मामूली विवाद में विक्रम नगर निवासी आशीष पांडे और निशु पांडे ने आशुतोष पाठक को चाकू मारकर घायल कर दिया। चीख पुकार सुनकर इकट्ठा हुए लोगों ने आरोपियों की पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। सुल्तानपुर जिले में नशे में धुत बाइक सवार बदमाशों ने मैजिक गाड़ी के ड्राइवर पर हमला बोल दिया। राहगीरों को आता देख आरोपी बाइक छोड़कर फरार हो गए। मामला करौंदी करा थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव के पास का है। सुल्तानपुर जिले में भदैया थाना कोतवाली देहात के लोहरा मऊ बाईपास में चोर एक दुकान से लाखों रुपए का सामान ले उड़े। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सुल्तानपुर जिले में एसडीएम कादीपुर ने स्थानीय सीएससी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आर ए रत्नाकर नदारद मिले। एसडीएम से डॉक्टरों ने पानी की समस्या के साथ एंटी रेबिज सिरिंज न होने की शिकायत भी की है। सुल्तानपुर जिले में बल्दीराय तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत हिमनापुर के प्राथमिक विद्यालय महमूदपुर में एसडीएम प्रिया सिंह की अध्यक्षता में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी गयी और समस्याओं के जल्द से जल्द निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। सुल्तानपुर जिले में कुड़वार थाना क्षेत्र के मनियारपुर के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान थाना धम्मौर दौलतपुर निवासी रामलौट के रूप में हुई है। सुल्तानपुर जिले में स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप के तहत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक ने स्वच्छ भारत अभियान रैली निकाली। इसके जरिए ग्रामीणों को साफ सफाई रखने का संदेश दिया गया। सुल्तानपुर जिले में अखिल भारतीय किसान सभा ने बिगड़ती कानून व्यवस्था और किसानों के फसल की लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। सुल्तानपुर जिले में बल्दीराय तहसील क्षेत्र के कांवरिया संघ पारा बाजार ने विशाल भंडारे का आयोजन किया। भंडारे में प्रसाद वितरण की शुरुआत बल्दीराय थाना अध्यक्ष आकाश पवार, भाजपा मंत्री मुकेश अग्रहरी और प्रधान महेश जायसवाल ने की। अमेठी जिले में उन्नाव रेप केस की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें सैकड़ों स्टूडेंट्स हस्ताक्षर कर रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आगे आए। अमेठी जिले में भिटुआ चौराहे के स्वास्थ्य उपकेंद्र पर आवारा पशुओं को इकट्ठा कर अज्ञात लोगों ने बंद कर दिया। आवारा पशु जिले भर में किसानों की फसलों के लिए नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। यहां गौशाला महज कागजी खानापूर्ति तक ही सीमित है। अमेठी जिले के डीएम प्रशांत शर्मा ने दर्पीपुर के सामुदायिक मिलन केंद्र पूर्व माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने अधिकारियों को सौंदर्यीकरण और मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अयोध्या जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे रामचंद्र दास परमहंस की 16वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। सीएम ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए चयनित स्थल का निरीक्षण भी किया। सीएम ने कहा कि अयोध्या हमारी प्राथमिकताओं में से एक है और अयोध्या के समग्र विकास के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। बाराबंकी जिले में फतेहपुर भगौली मार्ग के अपोलो हॉस्पिटल में अनट्रेन्ड लोग मेडिकल वर्क करते मिले। यहां एसडीएम पंकज सिंह और सीएचसी प्रभारी आरके वर्मा ने पुलिस फोर्स के साथ छापेमारी की। इस दौरान हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों का इलाज इंटर और बीए पास लड़के लड़कियां करते हुए दिखाई मिले, जबकि जिस डॉक्टर के नाम हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन था वह हॉस्पिटल से नदारद दिखा। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हॉस्पिटल को सीज कर दिया है। कौशाम्बी जिले में कड़ाधाम कोतवाली पुलिस और इंटेलिजेंस विंग ने बाइक चोरों के गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों के कब्जे से चोरी की 11 बाइक बरामद की है। कौशाम्बी जिले के टीचर्स परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। जगन्नाथपुर के प्राथमिक स्कूल में एक छात्र और छात्रा को प्लेट की जगह पत्ते में मिड डे मील का खाना दिया गया। स्कूल में बच्चों के खाने के लिए सुविधाओं की कमी है। इस मामले में बीएसए ने कहा है कि जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।